बिरला टेम्पल जस्ट 15 मिनट वॉकेबल पे है लुम्बानी पार्क, और यहीं से फेरी खुलती है बुद्धा स्टैचू के लिए जो हुसैन सागर में है। सो अभी हम जा रहे हैं फेरी को बोर्ड करने के लिए एंड विल गो टू हुसैन सागर एट दैट आइलैंड। सो हैदराबाद में आज हमारा है 4th day। सो पहले दिन तो जस्ट हमने होटल चेक इन किया था, सेकेंड डे हम चले गए थे चार मीनार, जहाँ पे हमने पूरे दिन चार मीनार पर शॉपिंग किया और एंजॉय किया। देन आफ्टर उस दिन भी हम यहाँ रात में आए थे बोट लेने के लिए, बट इस समय लुम्बानी पार्क बंद हो गई थी। सो दिस इज द क्रूज बोट क्रूज जो कि डायरेक्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा लेके जाती है। सो आप देख सकते हो पीछे कितने सारे लोग हैं और वी आर गोइंग देयर। सो लास्ट बोट टूर जो इस पार्क में वो 7:30 तक की है, इसलिए अगर आप आए तो 7:30 के पहले आए ताकि आपको बोट टूर आप ले सके यहाँ पे ले सके। और बेटर टाइम होता है कि आप सनसेट के 1 घंटा पहले आए ताकि आपको जो नाइट व्यू है बुद्धा पर जो लाइटनिंग होती है उसका व्यू मिले, और विदाउट लाइट व्यू मिले, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू कम। तो यूएस में स्टैचू ऑफ लिबर्टी का आइलैंड तो मैंने बहुत बार गया है। सो यहाँ हैदराबाद में एक आइलैंड है जो बुद्धा स्टैचू ऑफ बुद्धा का आइलैंड, जहाँ पे मैं अभी हूँ। ओके तो वो सामने बुद्धा, इस पर अभी लाइट शो हो रहा है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। शो नहीं है, बस लाइट्स प्रोजेक्ट हो रहा है बुद्धा, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो आपने देखा ही है, आज मैं दिखाता हूँ हैदराबाद का स्टैचू ऑफ बुद्धा। अभी नाइट हो गई है ऑलमोस्ट, हम जब आए थे तो इवनिंग हो रही थी, तो उसमें इतनी ज़्यादा लाइटिंग पता नहीं चल रहा था, बट अभी लाइट भी पूरी पता चल रही है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स उस पर लाइक लाइटनिंग टाइप की उस पर लगाई गई है, बट आपके बुद्धा कलर इज द वाइट कलर। एंड उस समय जब मैं आई तो एक फ़ोटो नहीं ले पाई थी बिकॉज इतनी ज़्यादा फ्रस थी कि लाइक ओ गॉड ऐसा फील, आई वॉज लाइक फीलिंग, बट नॉट फाइन ऑलमोस्ट। तो भीड़ कम हुई है और अभी हम थोड़े टाइम में यहाँ से विद इन 5 मिनट्स वी विल गो अगेन। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्रूज चल रही है, मीन्स क्रूज है, बोट है, स्पीड बोटिंग है। स्पीड बोटिंग आपको ऑल अराउंड घुमाएगी, बट आप आ नहीं सकते हो राइट आइलैंड पे। एंड सिर्फ 50 रुपीज़ की है जो कि आपको आइलैंड यहाँ पे ड्रॉप कर दी है। 350 रुपीज़ की भी है, तो आप म्यूज़िक के साथ आपको ड्रॉप करेगी। और भी डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ है जो मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूँगी, आप देख लेना। एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये वीडियो पसंद आ रही है नहीं। हमने आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाया, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी दिखाया, स्टैचू ऑफ बुद्धा दिखाया, और अब अभी हम आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी दिखाने वाले हैं। और ये आप लुम्नाई पार्क देखते, रात में कैसे चमक रहा है, लुमिनस कैसे हो रहा है, और यहाँ बच्चे सब गर्मी से परेशान होकर पानी में जाने जरूरत नहीं। मैं भी सट पर उतारू पानी में, कुछ जो ऐसा लग रहा है इतना गर्मी है यहाँ पे, कुछ भी मजा आता है यार, क्लीन नहीं है बिल्कुल भी। सो लुम्बानी पार्क में हमने अराउंड 3 आवर्स स्पेंड कर किया है, और नेक्स्ट हम जा रहे हैं इसके बगल में ही NTR गार्डन है जो यहाँ से 10 मिनट ऑफ वॉक है। सो लेट्स गो देयर। हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली और अभी अब हम पहुँच गए हैं NTR गार्डन। और NTR गार्डन जस्ट ऑफ 8 मिनट्स ऑफ वॉकिंग आप आराम से आ सकते हो, एंड देयर इज़ नो नीड टू पे समथिंग। और आप एंट्री करो, और ये जस्ट एन एंट्री गेट, लेट मी शो यू फ्रॉम दिस वे, दिस इज़ द मेन एंट्री पॉइंट, एंट्री लोकेशन। एंड ये जो मेरे हाथ में आप बार बार देख रहे हो, ये देखो हमने वहाँ से ये फ़ोटो लिया है, स्टैचू ऑफ बुद्धा। सो लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं कि अंदर में कैसी पार्क है। वीडियोस फोटोज तो काफ़ी अच्छी है, सो लेट्स सी। पार्क का जो एंट्री फी है वो 15 रुपीज़ एडल्ट का है, 10 रुपीज़ बच्चों का, और पार्क के अंदर ही बहुत सारे एक्टिविटी है, उसका एडिशनल कॉस्ट पे करना होता है। कितने लोग हैं? 2। हालांकि एक्चुअली NTR गार्डन बहुत कुछ करने के लिए है, और अभी 1 घंटा में गार्डन बंद हो जाएगा, इट्स नॉट इनफ टाइम फॉर अस टू एवरीथिंग। सो वी आर प्लानिंग टू कम बैक अगेन टुमारो और अफ टुमारो इफ टाइम परमिट्स। ट्रेन राइड कुछ नहीं है, बस आपको पूरे पार्क का आउटसाइड से आपको दिखाया जाएगा।
और जिससे आप पता चल सकते हैं कि नो व्हाट्स इनसाइड दिस पार्क, बट बेसिकली यू कांट ट्राई राइट आप बिकॉज ट्रेन में हो। और हमारे पास सिर्फ अभी अराउंड 45 मिनट्स हैं बिकॉज हमें 45 मिनट्स से वापस जाना है, सो आई डोंट नो कि हमें अंदर कवर कर पाऊंगी कि नहीं, बट वी विल ट्राई लेस थिंग। बट जैसे आप एंटर करते हो, सी दिस इज़ द एंट्री पॉइंट, लेट मी शो यू, दिस इज़ द मेन एंट्री गेट। और जैसे ही आप एंटर करते हो, दिस इज़ द सेकेंड साइड जो कि एक अच्छा सा फाउंटेन एंड द ट्री लुक्स रियली क्यूट। सो अभी हम थोड़ा अंदर जाते हैं। तो एक्चुअली ये जो गार्डन है बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों के लिए आप देख सकते हो बहुत सारी राइड्स है, नॉट फॉर द बच्चे, इट्स अबाउट हमारे साइज एडल्ट्स के लिए भी अच्छी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ बड़ी बड़ी भी राइड्स है राइट, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर किड्स दिस वन। तो एक्चुअली ये अच्छी राइड है और स्टिल अभी भी ओपन है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एक्चुअली बिकॉज यू नो, बट 3D सिनेमा है जो कि रिपेयर में है, जहाँ जा रहे हैं कहीं खराब है कहीं रिपेयर में है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। एंड लेट मी क्लियर यू, जो भी अमित को पसंद आ रही है ना, लाइक अमित वॉन्ट टू डू एंड दिस इज नो इट्स क्लोज आइदर, जैसे क्या हुआ अमित हमारे साथ वो कौन सी गार्डन थी, गोलकोंडा फोर्ट, यस, सो व्हाट हैपेंड गोलकोंडा गोलकोंडा राइट, हां गोलकोंडा फोर्ट, सो व्हाट हैपेंड गोलकोंडा फोर्ट, सॉरी, सो व्हाट हैपेंड द फोर्ट, हमने एक्सपेक्ट किया कि पूरी लाइट डिस्प्ले होगी बिकॉज व्हेन अमित वाज इन हैदराबाद तो उसमें बहुत ही प्यारी सी होती थी, बट नहीं हुआ, उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है राइट। सो टुडे वी वेंट टू स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, दे सेड कि यहाँ पे होती है लेजर शो, लुमिनस गार्डन में, लुमिनी गार्डन में, यस, सो लुमिनी गार्डन में होती थी लेजर शो, बट देयर बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू वो बंद है। अभी हम आए हैं और अमित को पसंद आई है दिस 3D सिनेमा एंड स्टिल सेइंग द सेम थिंग, बंद है, चलो बंद है। सो NTR गार्डन में काफ़ी समय बिताने के बाद इसी के साथ हमारा हैदराबाद में ये तीसरा दिन भी ख़त्म हो रहा है, और अभी हम जा रहे हैं अपने होटल, जहाँ जो यहीं से जो NTR गार्डन है यहाँ से 15 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे है। सो नेलोफर चाय जो रास्ते में पड़ती है, जो कि यहाँ की बहुत फेमस चाय है, हमारे कुछ फ्रेंड ने बताया ईरानी चाय है इसको ट्राई करने के लिए, तो इसी चाय के साथ हमें मैं ये वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें।